खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। त्वचा दामन में बदलाव की लहर जारी है और सबसे ज़्यादा चुनाव हल्दीपुरा पंचायत में लगा है। हमारे संसाद भाई ने करोड़पति उम्मीदवार को हराया है और पान लगा के हराया है। ये पान दुकानदार हैं ये, और ये दुकानों में बैठ बैठ करके लोगों के प्यार से और लोगों से बात करके चुनाव इस बार जीत गए हैं। बताइए कैसे चुनाव जीते आप? अरे भरो दुकान 3 महीने पहले ही दुकान बंद करके डोर टू डोर आदमी के पीछे घूमना शुरू कर दिया। उसके बाद जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया। इंशाल्लाह इस बार मैं बुरजुर जनता कर लूँगा कि जनता के सामने मैं खड़ा उतरने का कोशिश कर रहा हूँ। भरोसा किया, उम्मीद है कि कोई लोग आते प्यार करेंगे जी? नहीं, ये तो उम्मीद था। उम्मीद था जी। हम लोग जब हल्दीपुरा मदरसा में पढ़ते थे तब भी इनके पास जाते थे और आज भी हल्दीपुरा जाते हैं तो इन्हीं के पास जाते हैं। ये जिस तरह से भी पान लगा दे, पान का जायका कुछ और ही होता है, और जिसका असर ये है कि आज ये लगभग 1800 से ज़्यादा मतों को लेकर के आए और चुनाव जीते। की गर्व आप मेरे जो समझ में जो हमारा काम आएगा मैं उसको जनता के सामने मैं लाऊंगा। अच्छा, और इस चुनाव में क्या क्या मुद्दा था आपका? चुनाव में यही मुद्दा था कि गरीबी और अमीरी के बीच। अच्छा जी, गरीबी और अमीरी के बीच मुद्दा था, मतलब डीजे वाले को पान वाले ने हरा दिया। डीजे वाले को पान वाले ने हल्दीपुरा पंचायत में हरा दिया, और हल्दीपुरा कोचा दामन का सबसे टॉप पंचायत माना जाता है, और वहाँ का जो रुतबा है उस चीज़ को कैसे बरकरार रखी है? घर घर जाऊँगा, सबसे मिलजुल कर सबसे समस्या सुनेंगे और ब्लॉक जाकर हल निकालेंगे, है ना। तो ये थे शमशाद साहब, जो बहुत ही मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं, कम बोलते हैं। तो राज्य चुनाव जीत करके इन्होंने बड़ा काम किया है, लोगों ने इस पर विश्वास जताया। थैंक यू।